27 जुलाई 2019, वो पहला दिन जब हम इस कॉलेज में आए थे, और किसको पता था कि यार ये 4 साल इतना कुछ बदल देंगे। बट एट द एंड इज इट ऑल वर्थ इट? जब भी कोई कॉलेज में आता है उनका एक सपना होता है कि यार मुझे कुछ तो उखाड़ के जाना है इस कॉलेज में, और मेरा वो सपना पूरा हुआ विद अ ओवरऑल परफॉर्मेंस अवार्ड, दैट इज चेयरमैन्स गोल्ड मेडल। बट अगेन, इज गेटिंग अ गोल्ड मेडल इन बीटेक वर्थ इट? और यार सच बताऊं तो जेई की टेन जितनी भी चीजों को सैक्रिफाइस किया था ना, इन 4 सालों में सब वसूल लिया। बीट फ्रेंड्स, फेस्ट, ट्रिप्स, यूट्यूब, सब किया, बार बार किया। Hey guys, good morning. So it's around 4:30 in the morning, and we have a flight to catch around 7:30. यार, I'm literally dying out of sleep. मतलब अभी नहीं दिख रहा होगा जैसे भी, मतलब you can see in my eyes, I'm literally dying out of sleep. कल ऑफिस से काम करते करते काफी ज्यादा लेट हो गया था। But कोई ना, keeping things apart, today we are starting with the food, little journey. So it's around 5:30 and we are here at T2. Where T2 personally because काफी ज़्यादा अच्छा लगता है airport, और मतलब मैं अभी रास्ते में यही सोचता था कि जब हम छोटे थे it was like कि airport was such a big thing, but now like every consecutive month we are here, so life changes. Believe in yourself. तो यार बैंगलोर से जयपुर के पूरे रास्ते में दिमाग में केवल एक चीज़ चल रही थी, अब वो मैं मम्मी पापा को कैसे बताऊंगा इस गोल्ड मेडल के बारे में। तो यार इतने दिन से उनसे छुपा के रखना काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए, बट सही बताऊं तो गोल्ड मेडल मिलने से ज़्यादा, उस स्टेज पे उसको देखने से ज़्यादा खुशी मुझे या एक्साइटमेंट मुझे उस मोमेंट का है व्हेन आई विल टेल माय मॉम एंड डैड कि यार योर हार्ड वर्क हैज पेड ऑफ। आफ्टर जस्ट अ सेक ऑफ आस्किंग आई गॉट द विंडो सीट एंड इमरजेंसी, तो इसमें लेग स्पेस काफी अच्छा रहता है। जैसे हम एयरपोर्ट पहुंचते हैं, एज ऑलवेज माई मॉम इज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ द गेट, वो मेरी वीडियो बना रहे थे, मैं उनकी वीडियो बना रहा था, सो इट वॉज वेरी फन। एंड अपेरेंटली दे बॉट इन चॉकलेट्स फॉर मी, जो कि वो कभी नहीं लाते, तो मुझे लग रहा था यार कि उनको पता तो नहीं पड़ गया, बिकॉज ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स नो अबाउट दैट थिंग लाइक गोल्ड मेडल मिल रहा है कि, तो आई वॉज अफ्रेड कि यार मेरा सरप्राइज तो वेस्ट हो गया, बट उनको नहीं पता था, वो मेरे कॉन्वोकेशन के लिए लाए थे, तो उस चीज़ से मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। सो आई वॉज एक्साइटेड एज वेल एज इमोशनल कि यार कैसे बताऊँगा। So let's see how it goes. So we have put the luggage, and I'm definitely sure that mom and dad will be here on the way. So let's see. So mummy is here to take me. Hi, beta. So finally the convocation starts. I'm very happy. पर अभी तक आपको कुछ पता नहीं है, मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। क्या क्या पता है बता? थोड़ी देर में बता पापा के साथ। पहली बार मैं मम्मी पापा को स्टारबक्स लेके जा रहा हूँ। मम्मी तो नहीं मैं आती है, बट आई एम क्राइंग कि भाई चलो, लेट्स सी हाउ द एक्सपीरियंस गोस। आल्सो एक सरप्राइज है मम्मी पापा के लिए, लेट्स सी। ये इनको जिनको मिला है ना। अरे तेरी भी है। अरे वाह, ये भी है। देखो मेरे को गोल्ड मेडल मिल रहा है कॉलेज से। अरे वाह, बधाई हो जी। मतलब 500 बच्चों में मुझे गोल्ड मेडल मिल रहा है फॉर ऑल राउंड परफॉर्मेंस। सो गाइज, एज यू कैन सी, मैं मॉम डैड को बता चुका हूँ, एंड दैट मोमेंट वॉज एक्चुअली वेरी स्पेशल फॉर मी, एंड आई डिडंट एक्सपेक्टेड कि पापा इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, बट बिलीव मी फॉर अ मिडिल क्लास बॉय जो कि जिसके लिए कॉलेज में आना भी काफ़ी बड़ा डिसीजन था ऑनेस्टली, मतलब बिकॉज द फीस इज क्वाइट अ बिग अमाउंट, बट
actually I don't have words for that moment, but that moment will be with me throughout my life and I can't forget that. So thank you to everyone who was with me in this process. Thank you folks. So after this all moments of happiness, हम निकल गए थे अजमेर के लिए और रास्ते में ही मैंने नाना नानी को भी बुलवा लिया था बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू शेयर माई मोमेंट विद देम एज वेल. सो अजमेर जाके मैं लिटरली 10 घंटे सोया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल हो गया था एंड अगले दिन उठते ही हम निकल गए जयपुर के लिए. Okay, so finally we are here in Jaipur. काफी ज़्यादा ट्रैफिक, काफी ज़्यादा गर्मी है. So Pushpant and Manthan actually are coming to pick me up. तो उसके बाद थोड़ी सी कुर्ते की शॉपिंग करनी है. So tomorrow the theme for convocation is कुर्ता पजामा. So we'll do that and then we'll go to college finally. So let's see how it goes. It is always the best feeling to meet with your friends. तो यार इन सबसे मैं काफ़ी टाइम बाद मिल रहा था, स्पेशली खुशवंत से मैं एक साल बाद मिल रहा था. तो भैया आ चुके थे अपनी थार लेके, पुणे से लेके आया था वो. सो जयपुर पहुँचते ही हमने स्टार्ट कर दी शॉपिंग. सो गिविंग यू अ कॉन्टेक्स्ट, तो कॉन्वोकेशन की थीम जो हमारे टाइम थी यार, दैट वॉज 2024 का कॉन्वोकेशन, उसमें कुर्ता पजामा, जो व्हाइट कुर्ता पजामा जो कि मैंने अभी पहन रखा है, दैट वॉज द थीम फॉर बॉयज एंड साड़ी वॉज द थीम फॉर गर्ल्स. तो जयपुर पहुँचते ही हम चले गए कुर्ता पजामा शॉपिंग के लिए एंड उसके बाद वी वेंट टू द LNM IIT. यार फाइनली एक साल बाद हम सब लोग कॉलेज में मिल रहे थे. सो बेसिकली हमें कॉन्वोकेशन से एक दिन पहले कॉलेज में जाना था बिकॉज वी हैव टू रिसीव आर कॉन्वोकेशन स्टोल, दैट इज व्हाट आई एम वेयरिंग, यू कैन सी LNM IIT हियर, एंड प्रोविजनल डिग्री उसके साथ हमें मिल रही थी एंड वी ऑल्सो हैव टू अटेंड अ कंपल्सरी कॉन्वोकेशन रिहर्सल. सो वी अटेंडेड दैट. तो जैसे ही हमने स्टोल लिया उसके बाद वी वेंट टू कॉलेज ऐसे ही घूमने एंड देन द कॉन्वोकेशन सेरेमनी की रिहर्सल स्टार्टेड. एक्चुअली कलम साथ में नहीं बैठेंगे. So this is the final time in which convocation we are sitting together. अरे हमेशा रात में कल अलग हो जाएगा क्योंकि इसको कल कोई भाई ये दुखी की बात है. मतलब मेरे को बहुत दिन पहले पता पड़ गया था, मेरे काफी सैड था यार कि बस साथ ही बैठे. बढ़िया सो हैवी किनोसिस के बंदे को गोल्ड मेडल मिलने वाला है. कॉलेज से फ्री होते ही हम निकल गए थे ओपी भैया से मिलने. तो हम थड़ी गए, हमने मैगी खाई, चाय पी, पुरानी यादें ताज़ा करी एंड उसके बाद हम सब निकल गए थे रिजॉर्ट के लिए. तो यार रिजॉर्ट में पूरी रात हमने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया एंड काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट भी था, नर्वस भी थे बिकॉज चार साल की पूरी जर्नी वॉज कमिंग टू एन एंड. ऑल द सेक्रीफाइसेस, लर्निंग, एवरीथिंग वॉज कमिंग टू एन एंड एंड विद अ गोल्ड मेडल. तो बाकी सारी चीजें हो गई, नाउ वी आर गोइंग टू ओपीबीआई की थड़ी, उसका रिजॉर्ट, और अब हम ओपीबीआई की थड़ी कैसे जा रहे हैं, विश्वन की थार में. थड़ी इज लिटरली 10 minutes, 5 minutes वॉकिंग, मे बी 15 minutes वॉकिंग, थार में जा रहे हैं थड़ी. ठीक है ओपीबीआ, इन कॉन्वोकेशन वॉक इज वेल. So to see how the convocation day went and how the gold medal looks like, see you in the next vlog. Bye-bye.